नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंगुलरिटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम इन रिजल्ट्स को देख लेते हैं। जिस पॉइंट पर हमने सिंगुलरिटी चेक करनी है, उस पॉइंट पर दिए गए फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। अगर लिमिट इन्फिनिटी आई तो पोल होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट हुई फाइनाइटली तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हुई तो असेंशियल सिंगुलरिटी होगी। किसी फंक्शन के पोल निकालने के लिए फंक्शन के डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रखकर वहां से जेड की वैल्यूज निकाल लेंगे। पोल्स का लिमिट पॉइंट नॉन आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी होता है। तो देख लेते हैं सीएसआईआर नेट में आए कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हम देख देते हैं, सीएसआईआर नेट में आया है, पार्ट सी का क्वेश्चन है कि एट जेड इज इक्वल टू जीरो द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड प्लस वन डिवाइड बाई ई रेज टू पावर जेड माइनस वन हैज फर्स्ट ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी, सेकेंड ए पोल, थर्ड एन असेंशियल सिंगुलरिटी, और फोर्थ द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो इज टू। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू ए रेज टू पावर जेड प्लस वन डिवाइड बाई ई रेज पावर जेड माइनस का वन। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक है वो लिमिट की है, तो हम इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं फंक्शन की, क्या आएगी लिमिट। तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो ई रेज टू पावर जेड प्लस वन डिवाइड बाई ई रेज टू पावर जेड माइनस वन। दिस इंप्लाइज यहाँ से हमारे पास क्या आया, जेड जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो प्लस वन डिवाइड बाई ई की पावर जीरो माइनस वन। तो यहाँ से ऊपर तो आया टू और नीचे आया जीरो, तो यानी कि क्या आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आने के बाद हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि हमारे पास पोल होगा। अगर हमारे पास पोल होगा तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन तो कट। पहला ऑप्शन क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी कब होती है, जब लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, तो पहला तो कट होगा। सेकेंड हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी लिमिट आई है तो पोल हो जाएगा। थर्ड हमारे पास असेंशियल सिंगुलरिटी आया है इसमें ऑप्शन में, लेकिन जेड बराबर जीरो तो पोल है तो असेंशियल सिंगुलरिटी हो नहीं सकता, तो ये भी कैंसिल। तो अब हम चेक करेंगे कि इसका जो रेजिड्यू है जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर कितना है। तो जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर हम रेजिड्यू निकाल लेते हैं। लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड और एफ जेड की जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम रख लेते हैं यहाँ, ई रेज टू पावर जेड और प्लस जेड अंदर चला जाएगा जेड डिवाइड बाई ई रेज टू पावर जेड माइनस वन, ये है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जीरो बाई जीरो फॉर्म दिखाई दे रही है हमें। तो इसके लिए हमने क्या करना है, फंक्शन की न्यूमरेटर में जो भी कुछ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम करेंगे। तो देख लेते हैं, ऊपर हम डेरिवेटिव करते हैं तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड ई रेज टू पावर जेड और प्लस ई रेज टू पावर जेड और प्लस वन, नीचे हम करेंगे डेरिवेटिव ई रेज टू पावर जेड।
हमारे पास ही आया। जैसे हमने जेड इज इक्वल टू जीरो इसमें रखेंगे तो ऊपर तो हमारे पास आएगा ए रेज टू पावर जीरो प्लस वन डिवाइड बाई ए रेज टू पावर जीरो, यानी कि कितना आ गया टू, तो रेजिड्यू आया टू। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस क्या आए, सेकंड करेक्ट है, पोल आया ठीक है, और फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन CSIR नेट दिसंबर 2011 पार्ट सी में आया है। लेट एफ बी एन इंटायर फंक्शन सच दैट लिमिट मोड ऑफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देन फर्स्ट ऑप्शन एफ ऑफ वन बाई जेड हैज असेंशियल सिंगुलरिटी एट जीरो। सेकेंड ऑप्शन एफ कैन नॉट बी ए पॉलीनोमियल। थर्ड एफ हैज फाइनाइट मैनी जीरोज। और फोर्थ ऑप्शन एफ ऑफ वन बाई जेड हैज ए पोल एट जीरो। तो करते हैं सोल्व क्वेश्चन को। सबसे पहले हम काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ जेड है, इसको जेड ले लेते हैं। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड और हम इस पे लिमिट अप्लाई करें, लिमिट मोड ऑफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड, और इसका जो मोड है इसके ऊपर लिमिट लगाएं तो इन्फिनिटी आती है, मीन्स हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन हमारे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड है, ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में क्या कह रखे हैं। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या कहा कि एफ कैन नॉट बी ए पॉलिनोमियल, लेकिन हमारे पास हमने देखा है काउंटर एग्जांपल लेकर के एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड हमने लिया और जैसे हमने लिमिट लगाई तो इन्फिनिटी आया है, लेकिन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ क्या कह रखा है कैन नॉट बी पॉलिनोमियल, तो दिस इज रॉन्ग। सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, डिस्कार्ड हो गया सेकंड ऑप्शन। जो हमारा पहला ऑप्शन है इसके लिए भी यही एग्जांपल काम कर जाएगा। हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है कि एफ ऑफ वन बाई जेड हैज एन असेंशियल सिंगुलरिटी एट जीरो। तो असेंशियल सिंगुलरिटी के लिए हमने क्या करना होता है कि असेंशियल सिंगुलरिटी में हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो देख लेते हैं हमारे पास जो फंक्शन हमने कंसिडर किया है एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ वन बाई जेड इसकी हमने लिमिट, इसकी लिमिट निकाल लेते हैं जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं, तो वन लिमिट जेड टेंस टू जीरो और वन बाई जेड, और जेड टेंस टू जीरो वन बाई जेड करेंगे ये तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आया है। तो यहाँ हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट की है लेकिन इनफाइनाइटली एग्जिस्ट की है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास असेंशियल सिंगुलरिटी होगी, तो पहला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन भी हमारे पास कट हो जाएगा, पहला ऑप्शन भी कट डिस्कार्ड हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन में क्या कह रखे कि एफ हैज फाइनाइट मैनी जीरोज, और फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रखे कि एफ ऑफ वन बाई जेड हैज ए पोल एट जेड इज इक्वल टू जीरो, ये तो ठीक ही हो जाएगा। और जनरली भी हम इसको देख लेंगे, थर्ड ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि एफ हैज फाइनाइट मैनी जीरोज, तो इसके लिए हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं डिग्री एन का, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि पॉलिनोमियल को ये दी गई कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो हम एक एन डिग्री का पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेते हैं। तो हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं एफ जेड इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वेयर प्लस एंड सोन प्लस ए एन जेड रेज टू पावर एन। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, यहाँ ए एन है ये नॉन जीरो है। तो हमारे पास ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसको हम अगर सोल्व करें, यानी कि इसको एफ जेड इज इक्वल टू जीरो के उन
रख के सोल्व करें तो यहाँ से जेड की एन वैल्यूज आएंगी, तो एन वैल्यूज आएंगी या ये कहें एन रूट आएंगे या हम ये कहें कि एन जीरोज होंगी। तो एन जीरोज होंगी और एन क्या है, एन हमारे पास फाइनाइट है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एफ हैज फाइनाइट मैनी जीरोज, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर फोर्थ ऑप्शन को दोबारा से देखें तो हम यहाँ हम क्या करें, जो हमने पॉलिनोमियल कंसिडर किया है उसमें जेड के स्थान पे वन बाई जेड करके हम देखें तो ये जो हमारे पास जो कंडीशन है फोर्थ ऑप्शन की ये सेटिस्फाई होती है।